नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुसूचित ज्ञान एवं चलनशीलता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मोहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको दृष्टि दिव्यांगजनों से संबंधित छड़ी तकनीक का परिचय दूंगा और बताऊंगा कि एक छड़ी के द्वारा एक दृष्टि दिव्यांगजन कैसे आत्मनिर्भर होकर अपनी चलनशीलता कर सकता है। मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से छड़ी को यूज किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। ये है लॉन्ग केन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग केन की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी भ्रांतियां हैं इस लॉन्ग केन को लेकर कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हमेशा लॉन्ग केन की हाइट यूजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अर्थात यूजर की चेस्ट बोन तक, जिसे हम लोग स्टर्नम बोन तक लॉन्ग केन की हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो केन ज़्यादा दूरी तक जाएगी और यूजर को प्रॉब्लम आ सकती है। अगर केन छोटी होगी तो वह कम दूरी तक डिस्टेंस कवर करेगी, जिससे कि यूजर को समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले लॉन्ग केन की हाइट हमेशा यूजर के स्टर्नम बोन तक होनी चाहिए। दूसरा है कि हम लोग फोल्डिंग केन की हाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पाइप लगे होते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग केन मिलती है तो उसको नीचे से काट कर उसकी हाइट को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो कोशिश करें कि यूजर की हाइट के अकॉर्डिंग ही केन का चयन करें। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूं। जो बेसिक केन टेक्निक की जो सबसे पहली स्टेप है वो है ग्रिप, अर्थात केन को पकड़ना। तो मैं बताऊंगा कि केन को किस तरीके से पकड़ा जाता है। देखिए, आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, मैंने केन को ग्रिप किया हुआ है, अंगूठा ऊपर की तरफ से आया हुआ है और जो इंडेक्स फिंगर है वो इंडिकेट कर रही है नीचे की तरफ, टिप की तरफ, और बची हुई तीन फिंगर्स नीचे की तरफ से आई हैं। तो यह ग्रिप की सिचुएशन है। इसी तरीके से आपको ग्रिप करना है। कुछ लोग ग्रिप को इस तरीके से करते हैं, लेकिन यह ग्रिप की यह स्थिति सही नहीं है। हमेशा ग्रिप को इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर छड़ी कहीं टकराती है तो क्या होता है, हाथ पूरे तरीके से खुल जाता है इस तरीके से और केन हाथ से छूट जाती है। लेकिन इस स्थिति में हाथ खुलेगा नहीं और हो सकता है वो छड़ी आपको नुकसान पहुंचाए, आपके पेट में या कहीं पे चोट लगा दे। आप इसी तरीके से ही छड़ी को पकड़िए जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। ग्रिप के बाद में जो दूसरा स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं आर्म पोजिशन या हैंड पोजिशन। देखिए, मेरा हाथ किस तरीके से मैंने छड़ी को पकड़ा हुआ है। आप किसी भी विजुअली इंपेयर्ड यूजर से बोल सकते हैं कि आर्म पोजीशन या हैंड पोजीशन, हाथ की स्थिति हमेशा शेक हैंड पोजीशन पे रहनी चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो जिस स्थिति में हाथ रहता है उसी स्थिति में हैंड पोजीशन रहना चाहिए, आर्म पोजीशन रहना चाहिए। दूसरे तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नेवल, नाभि के बिल्कुल सामने हाथ रहना चाहिए, मिड ऑफ द बॉडी, बिल्कुल बॉडी के बीच में हाथ रहेगा, जिससे कि यूजर को लेफ्ट और राइट जब छड़ी को घुमा रहा है तो आसानी रहेगी और लेफ्ट एंड राइट समान डिस्टेंस पे छड़ी मूव करेगी। थर्ड स्टेप, सबसे पहला ग्रिप, दूसरा हैंड पोजिशन, आर्म पोजिशन, और तीसरा हो गया रिस्ट मूवमेंट। हमेशा छड़ी चलाते समय हाथ का मूवमेंट नहीं होगा, इस तरीके से हाथ मूव नहीं करेगा, बल्कि केवल और केवल रिस्ट मूव करेगी, लेफ्ट एंड राइट। जिस तरीके से मेरी रिस्ट मूव कर रही है, रिस्ट मूव करेगी। अब आप देखिए, यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ग्रिप को इस तरीके से करने पर आपका रिस्ट मूवमेंट भी आसानी से हो रहा है। लेकिन अगर हमने ग्रिप इस तरीके से किया होता तो शायद रिस्ट मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। देखिए, इस तरीके से रिस्ट मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हाथ ग्रिप इस तरीके से है तो रिस्ट मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है। तो रिस्ट मूवमेंट
हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिस्ट मूवमेंट करना है ना कि हैंड मूवमेंट। रिस्ट मूवमेंट के अगले स्टेप में, रिस्ट मूवमेंट के बाद में जो आता है वो है आर्क ऑफ द केन। छड़ी का जो चाप है, जो लेफ्ट एंड राइट छड़ी घूमती है, जो एक चाप बनाती है, वो चाप कितना होना चाहिए ये मैं बताऊंगा। छड़ी की टिप लेफ्ट और राइट दो तरफ छड़ी की टिप टच करती है जमीन से, और बीच में छड़ी उठती है, थोड़ा सा उठती है, वो कितना उठना चाहिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर छड़ी ज्यादा उठी तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल छूट जाएगा और वो विजुअली इंपेयर्ड के पैर से टकरा सकता है। तो हमेशा टिप की जो हाइट है वो जमीन से लगभग 2 इंच तक होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच हो सकती है, लेकिन 2 से 2.5 इंच से ज्यादा टिप की हाइट नहीं होनी चाहिए। और आर्क ऑफ द केन, जो आर्क है छड़ी की, जो आर्क है उसकी लंबाई हमेशा आपके राइट शोल्डर को कवर करे और लेफ्ट शोल्डर को कवर करे। बहुत ज्यादा अगर आर्क होगा तो वो भी परेशानी का सबब बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए मेरी छड़ी जो घूम रही है वो राइट शोल्डर को भी कवर कर रही है और लेफ्ट शोल्डर को भी कवर कर रही है। हमेशा इससे ज्यादा छड़ी की आर्क नहीं बनना है। नेक्स्ट आता है स्टेप कोऑर्डिनेशन। स्टेप कोऑर्डिनेशन जो कि 5वां पॉइंट है, स्टेप कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि यह ध्यान रखना है कि जब छड़ी लेफ्ट साइड में घूम रही है तो राइट पैर आगे आएगा इस तरीके से, और राइट साइड घूमा है तो लेफ्ट पैर आगे आएगा। इसका अर्थ यह होता है कि हमेशा छड़ी जो है वो पिछले पैर को रास्ता दिखाती है। देखिए मेरा ये पीछे वाला पैर है और छड़ी राइट साइड में ही है, छड़ी राइट साइड में, अर्थात छड़ी राइट साइड में आकर ये बता रही है कि राइट साइड में बिल्कुल कोई बाधा नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, आप अपना पैर बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने ये पैर बढ़ाया छड़ी लेफ्ट साइड आई, अब मेरा पैर लेफ्ट पैर पीछे है, अब छड़ी बता रही है लेफ्ट साइड में कोई बैरियर नहीं है, आप आसानी से अपने कदम बढ़ा सकते हो। स्टेप कोऑर्डिनेशन इसे ही कहते हैं। देखिए फिर से मैं एक बार दिखाता हूं, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिदम। रिदम बहुत जरूरी पॉइंट है, और रिदम में होता क्या है कि जैसे रिदम का अर्थ ही है लय या ताल। जैसे एक म्यूजिक के साथ में अगर म्यूजिक और गाना, जो व्यक्ति गाना गा रहा है, दोनों की कंपोजिंग अच्छी नहीं है तो वह सुनने में बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, बहुत खराब लगेगा। उसी तरीके से अगर छड़ी का स्ट्राइक और आपके पैर का स्ट्राइक एक साथ नहीं होता है तो वह चीज चलने में अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा जो व्यक्ति देख रहा है उसको अकवर्ड लगेगी। देखिए सबसे पहले मैं गलत तरीके का यूज कर रहा हूं, ये अजीब सा लग रहा है, मेरे छड़ी और पैरों में कोई तालमेल नहीं है। अब मैं सही तरीके से रिदम का यूज करूंगा, देखिएगा आप लोग। फिर से मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं, सही तरीके से रिदम का यूज करूंगा, मतलब मेरा, मैं छड़ी को स्ट्राइक कर रहा हूं जमीन पर, वैसे ही मेरा पैर भी जमीन पर आ रहा है। तीसरी बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये पैर बढ़ाया और जैसे ही पैर ने स्ट्राइक किया वैसे ही छड़ी भी स्ट्राइक हो रही है। छड़ी तकनीक, छड़ी तकनीक के माध्यम से अगर इस तरीके से कोई भी विजुअली इंपेयर्ड इस तरीके से छड़ी का यूज करता है तो कभी भी वो किसी भी बैरियर से नहीं टकराएगा। हाँ, अगर वो बैरियर उसकी हेड हाइट पे है तो उसे प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज करना होगा, लेकिन अगर वो बैरियर उसके कमर की लेवल तक है तो वो कहीं भी उस बैरियर से नहीं टकराएगा, क्योंकि छड़ी आने वाले बैरियर के बारे में आसानी से बता देगी। इवन छड़ी यह भी बता देगी कि जिस सरफेस पे आप जा रहे हैं वो सरफेस कैसी है, वो जमीन कैसी है, वो सीमेंटेड है या मिट्टी है या घास है,
वो छड़ी आपको बताते हुए चलेगी। तो कोशिश करिए कि बेसिक कैन टेक्निक के जो 6 पॉइंट हैं उनको सही तरीके से यूज किया जाए, जिससे कि कोई भी विजुअली इंपेयर्ड आसानी से अपनी मोबिलिटी कर सके। अगले भाग में मैं छड़ी की अलग अलग जो बेसिक कैन टेक्निक है उससे अलग मैं यह बताऊंगा कि और छड़ी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे सीढ़ियों पर, जैसे डायगोनल टेक्निक क्या है, जैसे ड्रैग टेक्निक क्या है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से पेंसिल ग्रिप क्या है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से छड़ी को पकड़ा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।